ये है सलमान खान और आलिया भट्ट की फिल्म इंशाअल्लाह की रिलीज डेट। सलमान खान और संजय लीला भंसाली 20 साल के बाद एक बार फिर से साथ आ रहे हैं। सलमान के ही होम प्रोडक्शन के बैनर में ही इस फिल्म का निर्माण होगा। बता दें कि इस फिल्म का नाम इंशाअल्लाह रखा गया है। फिल्म में आलिया सलमान के साथ दिखाई देंगी। जब से इस फिल्म की घोषणा हुई है, इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार फिल्म कब रिलीज होगी। हालांकि अब तक इस खबर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार खबर है कि सलमान की यह फिल्म अगले साल यानी 2020 में रिलीज होगी, वे भी ईद के मौके पर। यह बात तो जग जाहिर है ही कि सलमान की फिल्में ईद के मौके पर ही रिलीज होती हैं। ऐसे में संजय के साथ वे लंबे समय के बाद आ रहे हैं, तो जाहिर है कि यह उनके लिए एक बड़ी रिलीज होगी। इसलिए उन्होंने फिल्म की रिलीज के लिए ईद का ही मौका चुना है। खबर है कि सलमान और आलिया इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वे दबंग 3 की शूटिंग पूरी करेंगे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि यह लंबे समय के बाद होगा, जब ईद के मौके पर सलमान के साथ एक और सुपरस्टार की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर होगी। और यह पहली बार होगा कि ईद के मौके पर सलमान और अक्षय एक दूसरे से बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी। वजह यह है कि सलमान की फिल्म इंशाअल्लाह के साथ उनकी रोहित शेट्टी निर्देशित फिल्म सूर्यवंशी रिलीज होगी। रोहित ने हाल ही में घोषणा की है कि उनकी अक्षय कुमार वाली दिल अगले साल ईद पर आएगी। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों सुपरस्टार में से बॉक्स ऑफिस पर कौन बाजी मारता है। आलिया की अगली फिल्मों की बात की जाए तो वो जल्द ही वरुण धवन, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के साथ फिल्म कलंक और रणवीर सिंह और विक्की कौशल के साथ फिल्म तख्त में नजर आएंगी।